हम सर्जिकल मास्क बोलते हैं या 3-ply मास्क बोलते हैं, ये ज़्यादातर ये जो 2.5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन जो पार्टिकुलेट मटेरियल है उसको फिल्टर नहीं कर पाता है। तो हमारा जो पर्पस है, अगर हम N95 मास्क यूज करेंगे तो ये काफ़ी हद तक ये प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो बेटर टू यूज N95 मास्क व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड और वो आउटसाइड योर हाउस इन दिस काइंड ऑफ पॉल्यूशन सिचुएशन। जैसे हमने ये मास्क N95 लगाया, जो ये फाइन पार्टिकुलेट मटेरियल लाइक PM2.5 जिस कार्सिनोजेनिक जो कंपाउंड्स है, आर्सेनिक, लेड एंड ऑल दिस केमिकल कंपाउंड्स, ये अंदर हमारे बॉडी के इनहेलेशन में नहीं जाता है। सो ये जो केमिकल कंपाउंड जिसको हम लंग कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ये जब डीप ब्रीदिंग में जाता है, लंग के जो एयरवेज है, एयरवेज में जाके इरिटेट करता है। कंटिन्यूस इरिटेशन ये केमिकल कंपाउंड जब करता है तो वो DNA म्यूटेशन हो जाता है। जब DNA म्यूटेशन होता है एयरवेज लाइनिंग में, देयर कैन कॉज कैंसर टू द लंग्स। खाली कैंसर लंग नहीं है, ये इतने फाइन पार्टिकुलेट मटेरियल होते हैं, ये जब हमारा मास्क का अगर हम प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लगाएं, एयरवेज के थ्रू गया, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में होकर ब्रेन में भी चला जाता है, ब्रेन में जाके हमको स्ट्रोक कर सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कर सकता है, डिमेंशिया कर सकता है, ऑल दिस न्यूरो डिजेनेटिव डिजीजेस जो बोलते हैं, पार्किंसनिज्म, इस टाइप का हार्ट अटैक, सब कुछ हो सकता है। खाली कैंसर इज नॉट एन ओनली सॉल्यूशन, कैंसर होगा जब एयरवेज डैमेज होगा।